थे आपका अपने चैनल प्रभात स्टडी आईक्यू पे। जब से बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हुआ है, पूरे देश के अभ्यर्थी एकत्रित हो रहे हैं, बीएड के अभ्यर्थी एकत्रित हो रहे हैं। उनका एक ही क्वेश्चन है कि आखिर बीएड बाहर क्यों, क्या कुछ खबर है, क्या कुछ संसद में चल रहा है, क्या कुछ विधानसभा में चल रहा है, सारे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वेल आइकन दबाना, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैं एक चीज क्लियरफाई कर देना चाहता हूं कि जो बीएड और बीटीसी का मामला चल रहा है, हम अगर आप पूछेंगे कि किसके साथ है तो हम लोग हैं बीएड के साथ, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन से किसी भी बच्चे को भागना नहीं चाहिए, कंपटीशन का दौर है तो बीएड वाले के अभ्यर्थियों को भी मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप बीटीसी के अभ्यर्थी हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा साथ जो है बीएड अभ्यर्थियों के साथ है। यहां पर देखिए आज की न्यूज में, तमाम प्रकार की न्यूज में एक ही खबर को छापा गया है कि जगह जगह अभ्यर्थी जो है कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज लखनऊ में एक विशाल धरने का आयोजन किया गया है। अगर आप लोग लखनऊ के आसपास के छात्र हैं तो बिल्कुल जाइए, बाकी प्रयागराज में लगातार कंटिन्यू धरना चल ही रहा है, कैंडल मार्च निकल रहा है। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो कल यहाँ पर प्रयागराज में पत्थर गिरजाघर पर जो मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है, प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है, प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात को पहुंचाया है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों की बात, कल आपने देखा दोस्तों कि आप लोगों की बात को संसद में भी दोस्तों सांसद के द्वारा उठाई गई थी, तो विपक्ष भी अब दोस्तों इस बात को उठा रहा है। तो बिल्कुल ही पैनिक नहीं होना है, हम लोग कोई आवाज अब दबेगी नहीं, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। बाकी हम लोग जो भी हो सकता है, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे है, जो भी सूचनाएं हैं हम लगातार पहुंचा रहे हैं, ठीक है। बाकी जो लोग लखनऊ के आसपास रहें पहुंचे, और जल्द ही हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।